सिटी इंडिया। इधर नीतीश कुमार पर चिराग पासवान की तलखी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नौवीं बार नीतीश कुमार के शपथ लेने के बहाने चिराग ने इशारों ही इशारों में उन पर निशाना साधा है। वहीं उनके चाचा पशुपति पारस ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में जमकर विकास करेगी। मुझे नहीं पता, पर मैं मानता हूँ कि बिहार सिर्फ खेला में ही ना उलझा रहे, कार्य भी अब करे, कार्य करने का भी समय है। अब मैं समझता हूँ कि बिहार में विकास अधिक से अधिक संख्या में होगा, और केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में हमारी सरकार है, दोनों मिलके, केंद्र और बिहार मिलके, हम बिहार का विकास करेंगे। तो नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के नेता नीतीश के बहाने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक बड़ी लहर चल रही है। सब लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ही देश को एक अच्छी सरकार दे रहे हैं और सभी लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं। बाकी बातें तो मुझे पता नहीं है। मुझे इतना पता कि नीतीश कुमार जी का एनडीए में वापस आने से ये जो नया गठबंधन बना था इंडी, उसकी भिंडी बन गई है। अब जो मर्जी तल के खा जाएगा उसको। आइए हम आपको बीजेपी और जेडीयू के जातीय समीकरण को समझाते हैं कि आखिर दोनों दल कहां तक निशाना साधने की कोशिश में जुटे हुए। देखिए, सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं। दोनों जाति को मिलाकर बिहार में 36% अति पिछड़ा वर्ग है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भूमिहार वर्ग से आते हैं, मतलब विजय कुमार सिन्हा के बहाने 15% सवर्ण वोट पर नजर है। तो वहीं सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के जातीय समीकरण को मिलाकर 51% वोट पर बिहार में एनडीए की नजर है। तो जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के बाद माना तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी वजह से भी अलग हुए पुरानी सहयोगियों के लिए दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। इसके सबूत बीजेपी नेताओं के बयान से साफ तौर पर समझे जा सकते हैं, जो खुलकर बोल रहे हैं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। मैंने बताया, कबीर जी की वाणी है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वही तो मैंने पहले कहा था, जो आप कह रहे वही मैं कह रहा। हमारा परिवार का कुंबा बड़ा है, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी अपनी प्रसिद्धि और उनकी सुचिता के आधार पर सरकार चलाने की, जो उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन है, उसका भाजपा को लाभ मिलेगा, हमारे विचार परिवार को लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से उनके लिए कोटि से बधाई।